एशिया की सबसे बड़ी डेंटल चैन क्लॉफ डेंटल ने आज अपने 485वें क्लिनिक का उद्घाटन दिल्ली के शालीमार बाग में किया। क्लॉफ डेंटल विश्व का तेजी से बढ़ता डेंटल नेटवर्क है जिसने मात्र 13 वर्ष में 500 क्लिनिक का आंकड़ा छुआ। पिछले सप्ताह क्लॉफ डेंटल ने नोएडा के सेक्टर 78 में अपना 500वें क्लिनिक का उद्घाटन किया था। शालीमार बाग का क्लिनिक नोएडा के क्लिनिक से पहले खुलना था, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण दिल्ली के शालीमार बाग क्लिनिक खुलने में विलंब हुआ। क्लिनिक के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर निशु बंसल ने बताया कि क्लॉफ डेंटल क्यों औरों से बेहतर है, क्या कारण है कि कुछ ही समय में क्लॉफ डेंटल डेंटल की दुनिया में एक बड़ा और विश्वसनीय नाम बन गया, कैसे यहाँ पर डेंटल काम करता है, उसके विषय में डॉक्टर निशु ने विस्तार से बताया है। आइए सुनते हैं क्या कहा डॉक्टर निशु ने। आज क्लॉफ डेंटल के 485वें क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है। अभी हम उपस्थित है शालीमार बाग के बीच में। यहाँ पर आज क्लॉफ डेंटल के 485वें क्लिनिक का आज उद्घाटन किया। आज कहे तो दूसरे शब्दों में कहे तो 485वें क्लिनिक की आज यहाँ पर शुरुआत की गई। क्लॉफ डेंटल जो कि एशिया की सबसे बड़ी चेन है, क्लॉफ डेंटल आज तक पूरे एशिया के बीच में 500 क्लिनिक खोल चुका है। ये क्लिनिक पहले खुलना था, लेकिन इस क्लिनिक का बाद में इसका नंबर आया खोलने के लिए, क्योंकि इसके बीच में थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन का काम बाकी था। तो ये आज 485वें क्लिनिक का यहाँ पर ओपनिंग की जा रही है। क्लॉफ डेंटल एशिया की सबसे बड़ी डेंटल चेन है। इसके पास 1200 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है, जिसकी वजह से जो भी पेशेंट यहाँ पर आता है उसको किसी भी प्रकार की अगर दांतों की कोई बीमारी होती है या कुछ भी अगर दांतों में समस्या होती है तो उसके लिए यहाँ पर प्रत्येक प्रकार का डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर हमेशा उपलब्ध रहता है। अब यहाँ के जो क्लिनिक हेड है, हम उनसे बात करते हैं कि ये जो क्लिनिक नया क्लिनिक खोला गया, जैसे कि क्लॉफ डेंटल का जो भी क्लिनिक होता है उसके बीच में अत्याधुनिक मशीनें होती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर और बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड जो है यहाँ पे ऑपरेटरी की मशीन लगाई गई है यहाँ पर। और सबसे बड़ी क्लॉफ डेंटल की खासियत है कि क्लॉफ डेंटल के बीच में स्टरलाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये जो चेयर्स है इनको पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से कंट्रोल किया जाता है, और इसके ऊपर किसी भी पेशेंट का इलाज होने के बाद उसको तुरंत साफ किया जाता है। जब तक कि उसको पूरी तरह से स्टरलाइज ना कर लिया जाए तब तक दूसरे पेशेंट्स को उसके ऊपर बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाता, उसका इलाज नहीं किया जाता। इसीलिए क्लॉफ डेंटल जो इतना सावधानियां बरतता है जिससे कि पेशेंट्स को किसी प्रकार के कोई इन्फेक्शन ना हो सके, इसको पूरा ध्यान रखा जाता है। और पूरी तरह से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है इलाज करते हैं ताकि पेशेंट को पूरी तरह से उसको रिलीफ मिले, उसका हर तरीके से फॉलोअप रखते हैं ताकि पेशेंट इलाज के बाद अगर उसको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो उसको जो तुरंत रिलीफ दिया जा सके। इसीलिए क्लॉफ डेंटल जो है औरों से बेहतर है, और यही कारण है कि क्लॉफ डेंटल का विश्वास लोगों के बीच में बढ़ता जा रहा है। और 13 साल के एक सफर के बीच में, छोटे से सफर के बीच में, 13 साल के अंतराल के बीच में एक क्लिनिक से 500 क्लिनिक तक पहुंचना क्लॉफ डेंटल की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। जो आज यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध है, अब हम उन्हीं से जानते हैं कि इस क्लिनिक के रूप में क्या विशेष रहने वाला है। विनय सेठिया जी से बात करेंगे। जैसे कि क्लॉफ डेंटल एशिया की सबसे बड़ी चेन, 500 क्लिनिक क्लॉफ डेंटल अभी तक खोल चुका है। 13 साल के सफर के बीच में क्लॉफ डेंटल ने 500 क्लिनिक खोले। जो क्लॉफ डेंटल ने 13 साल के बीच में लोगों में, अपने पेशेंट्स के बीच में जो एक विश्वास डेवलप किया, जिसकी वजह से आज क्लॉफ डेंटल अगर हम कहें तो पूरे हिंदुस्तान के बीच में 500 क्लिनिक खोल चुका है। तो हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि डॉक्टर साहब, जैसे कि क्लॉफ डेंटल लगातार अपने क्लिनिक बढ़ाता जा रहा है और जो इनका पेशेंट्स के ऊपर जैसे इन्होंने पूरा विश्वास बनाया है, सर इसके विषय में आपका क्या? क्लॉफ डेंटल एक बहुत ही अच्छी और रेपुटेड चेन है, एंड इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एंड ऑल द डॉक्टर्स जो यहाँ पे वर्क करते हैं ऑल दे आर वेल क्वालिफाइड। सारे इक्विपमेंट्स जो है दे आर स्टेट ऑफ द आर्ट, एंड फैसिलिटी इज वेरी क्लीन एंड हाइजीनिक, एंड द एम्बियंस इज वेरी गुड, एंड ऑल जो स्पेशलिटीज की जो प्रॉब्लम्स है उनको ये केटर करते हैं, एंड ऑल द क्लिनिक्स दे आर वेरी गुड, सो एवरीवन शुड कंसिडर टेक देयर सर्विसेज व्हेनेवर एनी डेंटल सपोर्ट इज नीडेड। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग डेंटल से अपनी सर्विसेज लीजिए। सर जैसे कि हर एक से मेरा ये क्वेश्चन रहता है कि जो हम लोग है ना उनमें अवेयरनेस बढ़ेगा, जैसे अगर डेंटरी की बात करें
तो लोग अवेयर नहीं है। अगर दांत में कोई दर्द होती है तो हम लोगों में एक फोबिया है कि अगर हम क्लिनिक में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डेंटल सर्जन के पास, तो पता नहीं कितने टेस्ट दिख देंगे या कितना बिल बना देंगे। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम लोग केमिस्ट से जाते हैं और कोई भी टैबलेट ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन हम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि कल को अगर ये बीमारी बढ़ गई तो क्या होगा। तो सर अवेयरनेस कैसे लेके आए? अवेयरनेस तो एक तो सेल्फ अवेयरनेस ही होती है कि आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग यू शुड ब्रश योर टीथ, है ना, एंड यू शुड इन द फैमिली आल्सो आप अपने बच्चों को आप हमेशा टीच कीजिए कि क्या गुड डेंटल हैबिट्स हैं, गुड डेंटल हाइजीन हैबिट्स हैं। एंड ये एक मिसकंसेप्शन है कि डेंटल क्लिनिक्स में डॉक्टर्स जो है वो बिल बना देते हैं या ऑपरेट ही करते हैं। आप जाके आप कई बार आप कंसल्ट करते हो तो बेसिक सर्विसेज भी कई बार आपको बहुत हेल्प करती हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर केस में ऑपरेट ही कर देते हैं, और वो आपको गाइड भी करते हैं, आपको अवेयर भी करते हैं कि क्या गुड प्रैक्टिसेस हैं, डेंटल प्रैक्टिसेस हैं। एंड क्लोव का तो दे हैव अ गुड रेपुटेशन, ऐसा कभी मेरी नॉलेज में भी नहीं है और ना कभी मैंने सुना कि दे डू सम रॉन्ग प्रैक्टिस, दे डू वेरी एथिकल प्रैक्टिस। आज आपने 485वें क्लिनिक का यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ, अभी तक लोग 500 क्लिनिक खोल चुका है। ये क्लिनिक थोड़ा इसलिए लेट हुआ कि यहाँ पे शायद कंस्ट्रक्शन का काम था जिसकी वजह से ये 485वां क्लिनिक लेट खुला। आपका जो क्लोव डेंटल है एशिया की सबसे बड़ी चेन है, उसका सारा श्रेय जहाँ तक मैनेजमेंट को जाता है उससे कहीं ज़्यादा श्रेय आप डॉक्टर लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर को ट्रीट करते हैं, बच्चों को सॉरी पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। जब हमने जाके लोगों से फीडबैक लिया तो सबने बताया कि जो क्लोव के डॉक्टर हैं उनका जो बिहेवियर है बड़ा एक्सलेंट बिहेवियर है। तो सर आप जो पेशेंट्स आते हैं उनको किस प्रकार से ट्रीट करते हैं और आपकी किस चीज़ में स्पेशलिटी है? सर मेरा नाम डॉक्टर कुमालु तेजावत, मैं प्रोस्टोडोंटिस्ट का इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। सो प्रोस्टो मतलब कम्प्लीटली दान जो है नहीं जिसका, कम्प्लीटली रिहाब जो दांत लगाते कम्प्लीटली। तो आपको पता है सर क्लो इज वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट क्लो चेन है। तो वर्ल्ड में वी आर द लीडिंग, अब तो एशिया का ही है, नेक्स्ट वी आर लीडिंग वन ऑफ द टॉप मोस्ट वर्ल्ड लेवल पे जा रहे हैं। सो आप वर्ल्ड लेवल पे भी जो भी टॉप मोस्ट क्वालिटी डेंटल केयर देखोगे तो वहां पे मेन स्टेरिलेशन प्रोसीजर होता है। आप क्लो की देखोगे तो दैट इज द 7-step प्रोसीजर चलता है स्टेरिलेशन, दैट इज द मेन मोटो। एंड यहाँ पे जो भी हम डॉक्टर स्पेशलिटी, मैं ऑलमोस्ट 7 more than 7 years यहाँ पे एज ए प्रोस्टोडोंटिस्ट। सो देयर आर मेरा रोल इज स्माइल डिजाइनिंग कंप्लीट डेंचर इम्प्लांट रिहैबिलिटेशन। तो हमारे जो भी पेशेंट्स आते हैं वी नो उनको कैसे किस लेवल की उनका प्रॉब्लम पहले हम समझते हैं, एंड अकॉर्डिंगली पेशेंट जिसको उनको जो डाउट है सब क्लैरिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग हम जो है जो डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान देते हैं अकॉर्डिंगली उनकी बजट में जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सके हम उनको बेस्ट आउटकम करके देखते हैं। और यहाँ पे हम वेल ट्रेन डॉक्टर से यहाँ पे जो भी है सब देखो, क्लो के जो सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी डिफिकल्ट होते हैं, ऐसा नहीं जो आए क्लो में ले लिया। इसमें जो हमारे स्क्रीनिंग Grade 1, Grade 2, Grade 3 जैसा स्क्रीनिंग लेवल होते सब लेवल क्लियर करके जो आते हैं तभी क्लो में एंटर करते हो। ऐसा वाले डॉक्टर यहाँ पे तो हर कुछ वो A to Z सब कुछ पता है प्रोसीजर के बारे में, ऐसा वाले डॉक्टर यहाँ पे मिलेगा तो डेफिनेटली वो ऐसा सब कुछ पता है तो वो आपको प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉर्ट आउट करेगा, ऐसा वाला है। तो डेफिनेटली ये क्लो को वर्ल्ड में नंबर वन तो हम बनाएंगे बनाएंगे। सो यहाँ पे जो भी डॉक्टर है जो एक बार यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे वो सोचते हैं दिस इज हमारे रिटायर भी यहाँ पे करके जाना है। सो दिस इज हम लगता है हमारे ओन क्लिनिक जैसा, कोई भी सोचते हैं हम ओन क्लिनिक खोले, हम तो क्लो में एक बार जाने तो यही तो हमारे ओन क्लिनिक हो गए, हम छोड़ के जाने नहीं, क्योंकि जो हमारे मैनेजमेंट हमको ऐसा केयर करते हमारे पेशेंट भी इतना लव करते तो इसको छोड़ के हम नहीं जा सकते। तो ये डेंटल में ये कि आज डॉक्टर हमको फिक्स सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं है कि अगर कमीशन आएगी तब आपको मिलेगा। सर हमारे कमीशन का कोई कुछ नहीं होता है, जो हमारी सैलरी देती है तो डेफिनेटली हमारे को वेल रेस्पेक्टेड सैलरी है, ऐसा नहीं, लेकिन हम जो सर्विस करते हैं अकॉर्डिंग हमारे मैनेजमेंट उसको रेस्पेक्ट करती है। यहाँ पे सर ऐसा कोई कमीशन की बात है, जो बाहर होती है वो देखते कमीशन, हमारे के लिए कोई पर्सनल कमीशन नहीं होते, किसी को देने की नहीं होते लेने, ये हमारे क्लिनिक है हम किसको कमीशन देना है, तो कमीशन की बात है, हम जो पेशेंट है वो खुश रहो उनके लिए जो बेस्ट चाहिए। ये है कि कई ऐसे क्लिनिक है जहाँ पे डॉक्टर को हायर किया जाता है कमीशन बेस इस पे, कि जो कमीशन आए अगर पैसा आएगा पेशेंट से तो आपको मिलेगा, लेकिन क्लोब में ऐसा नहीं है। क्लोब सबसे पहले ये ख्याल रखता है कि जो हमारा डॉक्टर है कम से कम उसको किसी चीज की प्रॉब्लम ना हो, उसको फिक्स सैलरी मिले।
सर इसीलिए तो हमारे पास सैलरी तो जो बेस्ट सैलरी मिलती है तो इसीलिए हमारे को कमीशन की कोई बात ही नहीं है, तो हम जो बेस्ट पेशेंट हो सकता है वही करके देंगे। तो बाहर देखते कमीशन देखते उनकी भी देखते, वो दोनों में वो डिफरेंशिएट तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं, हमारे के लिए जो फिक्स सैलरी मिलती है तो हम और कमीशन किसके लिए, तो वो तो जरूरत ही नहीं। तो जो बेस्ट जो दे रहे हैं उसी में हम 100% बेस्ट ट्रीटमेंट करके देते पेशेंट। जैसे कि आज आपके एरिया के विजय क्लोव डेंटल का ये 485वां क्लिनिक खुला है, वैसे तो क्लोव डेंटल 500 क्लिनिक खोल चुका है, ये क्लिनिक थोड़ा लेट हुआ कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। तो सर जैसे कि पूरी एशिया के बीच में अगर हम बात करें तो 485 क्लिनिक या 500 क्लिनिक होना एक बहुत बड़ी बात है और एशिया की सबसे बड़ी ये डेंटल चेन है। और अगर हम बात करें तो 1200 डॉक्टर क्लोव के पास जो इन्होंने अपने पास इनके पास एक बड़ी टीम है 1200 डॉक्टर की, जो कि हर प्रकार का उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध है, जिससे कि अगर किसी प्रकार की भी अगर कोई डेंटरी की प्रॉब्लम होती है तो आपको एक रूप के नीचे हर एक प्रकार का डॉक्टर मिल जाता है। तो सर आपके एरिया में आज ये 485 क्लिनिक खुल रहा है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर बहुत अच्छी बात है, यहाँ की पब्लिक के लिए बहुत बढ़िया क्लिनिक मिल रही है। क्लोव डेंटल का वैसे भी एक बहुत अच्छा नाम है मार्केट के अंदर, मैंने ऑलरेडी यूज़ करी हुई है डेंटल क्लिनिक है इनके डॉक्टर्स का, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इनके यहाँ पर। शालीमार बाग में ऑलरेडी पहले एजी ब्लॉक में चल रहा था तो वहाँ हम यूज़ करते हैं, हमारे नियर बाय हो गया तो नियर बाय होने से इसका बेनिफिट तो मिलेगा पब्लिक को आराम से, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। सर जैसे कि आपने कहा कि आप पहले इनके पुराने पेशेंट हैं, तो सर इनका फॉलोअप कैसे, जैसे कि सपोज अगर आप कोई भी अगर दांत का इलाज करवा के जाते हैं तो अक्सर ऐसा रहता है कि जो फॉलोअप नहीं होता, आप घर जाते हो आपको अगर दांत में दोबारा से कोई तकलीफ होती है दर्द होती है तो उस स्थिति में इनका फॉलोअप कैसा रहता है? नहीं पूरा फॉलोअप है सर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ट्रीटमेंट में मान लो कोई कमी रहती है, आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो उसको पूरा फॉलोअप करके चलते हैं, कोई ऐसा नहीं कि इग्नोरेंस है किसी तरीके की, कुछ भी नहीं है सर। जैसे कि लोगों में ना अवेयरनेस बड़ी कम है, जैसे हम लोगों को फोबिया है कि कोई भी किसी को भी कह लो कि अगर कोई तकलीफ होती है तो हम केमिस्ट से जाके एक टैबलेट ले लेते हैं कि चलो यार दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते कि इसमें प्रॉब्लम हुई क्यों है, क्योंकि ये जो फोबिया है जैसे कि अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है। सर अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है? सर अवेयरनेस तो सिर्फ इस तरीके से ही बढ़ती है कि पेशेंट खुद जागरूक होगा इसके अंदर, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा आपको ट्रीटमेंट करवाने के लिए। छोटे मोटे पेन के लिए केमिस्ट के पास हर आदमी जाता है, ये नहीं के लिए जाता, मगर डेंटल एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आएगी तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और फिलहाल अगर डेंटल की चेन में जाएंगे तो क्लोव का एक अच्छा नाम है। क्लोव डेंटल ने हमारे साथ कैंप भी किया है। हाँ, हमारा मेडिकल कैंप लगा था लायंस क्लब का इधर रामलीला के दिनों में, वहाँ हमने रामलीला मैदान में 14 दिन का लगातार कैंप लगाया था, तो क्लोव डेंटल ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। 14 दिन बिल्कुल फ्री इन्होंने वहाँ चेकअप किया था। सर ये जो कैंप लगते हैं इसका कितना फायदा होता है? बहुत फायदा होता है, लोग आते हैं क्योंकि वहाँ पर एक ही स्टॉल के अंदर 3-4 चेकअप हो जाते हैं, 2-3 डॉक्टर भी होते हैं, कंसल्टेंट डेंटल भी होता है, ऑर्थोपेडिक्स भी होते हैं, उसके टेस्ट होते हैं। तो जैसे आप अभी अवेयरनेस की बात कर रहे थे, इसे अवेयरनेस भी आती है लोगों में, क्योंकि वहाँ लोग आए होते हैं तो हाथ की हाथ चेकअप करा लेते हैं, वैसे स्पेशली क्लिनिक जाते हुए लोगों को झिझक होती है। जैसे कि सर हमारे स्कूल वगैरह है इसके बीच में भी अगर हेल्थ कैंप लगे, चेकअप कैंप लगे, हम लगाते हैं तो बच्चों को जो है बड़ी जल्दी जो है पता लग जाएगा, जैसे कोई अगर बीमारी है कोई किसी प्रकार का अगर शरीर में हो रहा है। बिल्कुल, हम लायंस क्लब की तरफ से इस तरीके के कैंप लगाते रहते हैं, डायबिटिक कैंप लगाते रहते हैं, मार्केटों में हम डायबिटीज चेक करते हैं, बैठते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता हमारी डायबिटीज ऊपर है, उसी में पता लगता है। तो क्लोव डेंटल ने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था, अब हम इसके साथ और ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे आगे। आज क्लोव डेंटल का 485वां क्लिनिक आपके यहाँ खुल रहा है, 500 क्लिनिक खुल चुके हैं, एशिया की सबसे बड़ी चेन, और सबसे बड़ी बात ये कि आपके जो 1200 डॉक्टर हैं उसमें से 75% जो है फीमेल डॉक्टर्स हैं। तो आप लोग जो जैसे जो ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उसका फॉलोअप रखते हैं, जैसे कि जो भी यहाँ पे पेशेंट आता है इलाज तो हर एक डॉक्टर करता है, दांत भी देखता है, उसकी प्रॉब्लम भी ठीक करता है, लेकिन बाद में जो फॉलोअप है वो बहुत जरूरी है, आप फॉलोअप कैसे रखते हैं? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशु बंसल है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट हूँ, बच्चों के दांतों के स्पेशलिस्ट, और मुझे ऑलमोस्ट 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है। क्लोव के साथ मैं 8 सालों से जुड़ी हुई हूँ। और आपने पूछा कि क्लोव कैसे बाहर से अलग है, तो सबसे पहली चीज तो जो हम बोलते हैं हमारा स्टरलाइजेशन, हमारा जो क्लीनिंग है, एक पेशेंट के बाद दूसरा पेशेंट लेने से पहले ही हम कम से कम 10 मिनट देते हैं पूरा चेयर क्लीन करने के लिए, पूरा ऑपरेटरी क्लीन करने के लिए। हमारे पास AI बेस्ड सॉफ्टवेयर भी है डोरी, जिससे कि जब तक पूरा चेयर क्लीन नहीं होता है तब तक वो हमें इंडिकेशन आता रहता है कि आपका चेयर क्लीन नहीं हुआ।
तो वर्ल्ड लेवल स्टरलाइजेशन हम क्लोव में फॉलो करते हैं। जो हमारे पेशेंट्स हैं इतने सारे, दे ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट, उन्हें पता है कि यहाँ पे क्लीनिनेस बहुत ज्यादा है, स्टरलाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आके पेशेंट को ये डर नहीं है कि मुझे क्रॉस इन्फेक्शन हो जाएगा या किसी और पेशेंट का इन्फेक्शन मुझे आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हाईलाइटेड पार्ट अबाउट माई ऑर्गेनाइजेशन क्लोव। सेकेंड थिंग, वी डू स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस हियर। क्लोव में सारे स्पेशलिस्ट आपको मिलेंगे, आपको बच्चे जैसे आई एम ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अब बाहर आप जा रहे हो तो एक ही डॉक्टर है जो आपकी रूट केनाल भी कर रहा है, जो बच्चों को भी हैंडल कर रहा है, दांत भी निकाल रहा है। वी डू स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस। दांत निकालना है, वी हैव ओरल सर्जन। हमारे छोटे बच्चे को दिखाना है, वी हैव चाइल्ड स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट। इम्प्लांट डालना है, वी हैव इम्प्लांटोलॉजिस्ट। सो दैट वे आपको मोर एक्सपीरियंस डॉक्टर मिलता है जो सुबह से लेकर रात तक सिर्फ एक ही स्पेशलिटी का काम कर रहे हैं, तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, पेशेंट के लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। फॉलो अप्स की जो आपने बात की, डेफिनेटली कोई भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, कोई भी लंबा काम हम कर रहे हैं, हमने ब्रेसेस लगाया, हमने इम्प्लांट किया, हमने बेसिक रूट केनाल भी किया, फॉलो अप बहुत जरूरी है, बिकॉज दोबारा इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, जो ट्रीटमेंट हमने किया वो ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है, उन सब चीजों में फॉलो अप की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे मैं बात करूंगी हमारे सॉफ्टवेयर की, PRM, पेशेंट रिलेशन मैनेजमेंट जो है। एक पेशेंट जब भी हमारे पास विजिट करता है तो हमारे पास सारा पेशेंट का ट्रीटमेंट रिकॉर्ड रहता है। वो पेशेंट अगर हमारे पास 5 साल बाद भी आ रहा है, से 10 साल बाद भी आ रहा है, तो वी हैव ऑल द रिकॉर्ड्स कब हमने उनका क्या ट्रीटमेंट किया, वी कैन फॉलो इट अप इन अ बेटर वे, तो उस चीज में बहुत बेनिफिट रहता है। सो क्लोव अगर आज इस लेवल पे है तो डेफिनेटली हमारी मैनेजमेंट, हमारे डॉक्टर्स सबका ही उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड वी ऑल आर डूइंग आर बेस्ट। जैसे कि आपका क्लोव डेंटल है, जैसे कि हमने जो आपके यहाँ से कई पेशेंट जाते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम जब उनसे फॉलोअप लिया तो उनका कहना है कि क्लोव डेंटल का जो ट्रीटमेंट है बड़ा अफोर्डेबल है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो पेशेंट है वो आते हुए हेजिटेट नहीं करते हैं, और जो डॉक्टर उनको बहुत अच्छा बिहेव है, जिसकी वजह से उनको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि किसी और क्लिनिक में जाते हैं तो वहां पर जो अनाप शराब बिल बनाया जाता है। लेकिन क्लोव जो है एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा इन्होंने विश्वास क्रिएट किया है कि लोगों को मालूम है कि क्लोव में वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जिसकी आवश्यकता है। सर बिल्कुल, अब इतनी बड़ी चेन अगर हमारी है, हम इस स्टेज तक आ गए हैं, डेफिनेटली देखिए क्लिनिकल स्किल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ क्लिनिकल स्किल से आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं कहलाते हो। पेशेंट आपके पास आ रहा है, अगर हम बात ही अच्छे से नहीं करेंगे, अगर हमारा बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, तो वो पेशेंट को वो सूदिंग मिलेगी ही नहीं, पेशेंट आपके साथ कंफर्टेबल होगा ही नहीं। तो डॉक्टर का, चाहे कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लोव में प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लोव के बाहर प्रैक्टिस कर रहे हो, डॉक्टर का बिहेवियर अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंट से एम्पैथी होनी चाहिए, पेशेंट का प्रॉब्लम हमें समझना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डेफिनेटली क्लोव में आई से वी ऑल आर बीइंग ट्रेन्ड फॉर दैट एज वेल। क्लोव में बहुत रेगुलर ट्रेनिंग्स होती हैं, नॉट ओनली फॉर द क्लिनिकल स्किल्स बट फॉर द सॉफ्ट स्किल्स एज वेल। सो every other day we are learning a new thing over here. Affordable, yes, we are giving a quality treatment at a very affordable price. We have different memberships also jo hum use kar sakte hain to make it affordable, and hamara treatment quality treatment at a very affordable cost hai. Ishu Bansal ne abhi hume bataya ki Clove kyu different hai. Clove ke video jab koi patient aata hai to uska ilaaj karne se pehle puri tarah se sterilization ki jati hai, और क्लिनिक्स में तो केवल जो है इक्विपमेंट है उनको स्टरलाइज किया जाता है। लेकिन क्लोव की एक खासियत है कि क्लोव के बीच में जो ये चेयर है, जो हमारा भी आपको कैमरा में दिखा रहा है, इसको भी पूरी तरह से स्टरलाइज किया जाता है, AI का यूज किया जाता है, जिससे कि यहाँ पर एक इनका सॉफ्टवेयर है डोरो, जिससे पता लग जाता है कि ये चेयर पूरी तरह से क्लीन हुई है कि नहीं हुई है। जब स्क्रीन पर ग्रीन कलर आ जाता है तो उसके बाद ही अगले पेशेंट को इसके ऊपर बैठने के लिए अलाउ किया जाता है। अभी हमें डॉक्टर निशु बंसल ने बताया है कि समय समय के ऊपर डॉक्टरों को हेड ऑफिस के द्वारा अपग्रेड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, अगर कुछ भी कोई नया आता है तो उनके साथ उसको शेयर किया जाता है, उनको बताया जाता है कि पेशेंट का कैसे इलाज करना है। यही नहीं कि पेशेंट का इलाज कैसे करना है, पेशेंट्स को कैसे फॉलो अप करना है, पेशेंट के साथ किस प्रकार का बिहेवियर करना है, इस प्रकार का पूरा ध्यान जो है क्लोव डेंटल की मैनेजमेंट के द्वारा रखा जाता है। यही कारण है कि आज क्लोव डेंटल एशिया के बीच में सबसे बड़ी डेंटल चेन बन चुका है, और आने वाले समय में ये पूरे वर्ल्ड के बीच में जो डेंटल की सबसे बड़ी चेन बनने जा रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, शालीमार बाग, दिल्ली।